मेरे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता नीरज पहलवान। पिछले चुनाव में नीरज जी जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़े अच्छे अस्पताल बनाए, अखिलेश यादव जी ने स्टेडियम तैयार करे युवाओं के लिए, अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार करे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उसमें जो है हमारे जो प्रदेश के अंदर जो चैनल थे और जो देश के अंदर जो चैनल थे, उन्होंने अलग ही माहौल पैदा कर दिया। ये ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पे ये मीडिया वाले ही चुनाव लड़ने के लिए आए, ये सबसे बड़ा कारण रहा। आपका मानना है कि मीडिया ने एक तरह से माहौल पैदा किया और आपके जो कार्य थे किए गए वे नहीं दिखाई गई, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। लेकिन यदि इस बार भी यदि ऐसा ही हुआ तो उससे बचाव के लिए आपके पास में क्या तरीका है? अब जो है अब की बार हमारा जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का इतना सक्रिय हो गया कि अब फेसबुक व्हाट्सएप और जो अभी जो अपने जो छोटे छोटे चैनल है उन पर सक्रिय हुआ, अपना ग्रुप बनाएगा। जैसे बीजेपी वालों ने एक अपना नया ग्रुप तैयार कर दिया था व्हाट्सएप पे, जो है व्हाट्सएप कर देते थे, जो दिखाते थे लोगों को, ये इन्होंने कर दिया अपने, मतलब जो खुद की इन्होंने अपनी टीम बना के ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि जिससे कि मतलब जो है मतलब पता नहीं क्या कर सकते हैं ये लोग। हम तो आपने इसकी जो खामियाजा भुगतना पड़ा था पिछले समय, तो उससे बचने के लिए आप काट ढूंढ चुके हैं। साल 2022 के लिए आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं जिसके बूते आप चुनाव लड़ेंगे और सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या तैयारियां आपने की है आपकी? तो किसानों की योजना पर काम किया गया था, एक शिक्षा क्षेत्र में काम करे जाएगा, और जो सबसे बड़ी बात है बिजली की व्यवस्था सबसे अच्छी जो दी थी अखिलेश यादव ने, उसकी कीमत दोबारा फिर घटाई जाएगी जो बढ़ी हुई है, और जो शहरी क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो दोबारा फिर तैयार करेगा जाएगा, और उसके बाद में देखो गांव का भी विकास जो है उसके साथ साथ जुड़े जाएगा। देख लो कि अखिलेश यादव जी कैसे नेता है कि आने वाले मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के बराबर के हमारा सबसे बड़ा चेहरा माननीय मुलायम सिंह यादव है, जो किसान और मजदूर के लिए जो उन्होंने काम किया सदा, उनसे बड़ा चेहरा जो हमारे पास में कौन हो सकता आपको? जिस प्रकार से पिछले दिनों ये सपा पार्टी में जो अंदर खाने आपसी फूट भी देखने को मिली थी, तो क्या इसका भी एक तरह से खामियाजा पार्टी पे को देखने को मिला, या इसका वो ज्यादा असर नहीं मानते? रविंदर जी, ये जो पार्टी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया वाले अपनी तरफ से बात चला, क्या आपने देखा होगा कि दो दिन पहले जो है राज्यसभा के जो सांसद थे संजय सिंह ने जो है, और जो हमारे एक जो नेता थे सपा के, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, देखा होगा एक दिन मीडिया में चल के बंद हो गया। अगर हमारी कोई अगर छोटी सी भी बात होती है तो 8-8 दिन चलती है, वो 15-15 मिनट की उसकी वीडियो बना के दिखाती है ये मीडिया। तो ये आप ये खुद लगा लो कि मतलब जो अच्छे काम है उसको कितना बढ़ावा मिल गया और जो बुरे काम है जो कितना, आप ये लगाओ कि किसान जो है हमारे गांव से, मेरा बुजुर्ग आदमी, मेरे परिवार के बुजुर्ग आदमी सब बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हमारे जो कस्बे का जो हमारे 32 का जो वजीर है वो भी वहां पे बॉर्डर पर, हम कैसे खुश है, हम कैसे खुश रह सकते हैं जब इस कस्बे का बुजुर्ग जो वहां पे, जो आप ये मानोगे जो घर का चौधरी जो बॉर्डर पर जो है किसान यूनियन के अंदर जो अपनी सक्रियता दिखा रहा, तो मतलब जो है आप ये बताओ कि घर में कैसे खुशहाली आएगी, खेत खाली पड़े। आपका मुख्य मुकाबला किस पार्टी से है? हमारा मुख्य मुकाबला पहले भी बीजेपी से था, आज भी बीजेपी से है। ना हमारे पास में जो है बसपा, ना बसपा तो है नहीं कहीं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये चुनाव 2022 का लड़ा जाएगा, और अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद सदा हम जैसे जो है कार्यकर्ताओं के साथ में, उनका भरपूर प्यार और सहयोग है हमारे साथ। तो दोस्तों ये थे नीरज पहलवान, समाजवादी पार्टी नेता।